राम राम जी, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया ही होने चाहिए। पहले ही बोल रहा हूँ, इस वीडियो का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे फैला दो पूरी तरह से। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। अगर आपके घर पे कोई बुजुर्ग है या एजड हैं जो गाड़ी चलाते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली रहेगी। एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको फैला दीजिएगा। तो भाई, आज की जो वीडियोस में आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे जो है एक नया स्कैम आया, अपने मैं पूरा करके दिखाऊंगा। एक नया स्कैम आया जिसमें जो है आपकी गाड़ी में से आपका कितना ही महंगा सामान हो वो चोरी हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे चोरी होगी। लाइव पूरा दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। एंड तक बने रहिएगा, अपनी बलिनों पे करके दिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लूट की शुरुआत होती है कि आपको पहले ही टारगेट कर लिया जाता है, जहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी होती है उस पे पहले ही पानी या काला तेल जैसा कुछ भी डाल देते हैं, जिससे थोड़ा थोड़ा करके जो है पड़ा रहता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सीन। सो गाइस, इतनी देर में दो लड़के आते हैं बाइक पे आपकी गाड़ी के पास। गाड़ी जो है नॉर्मल चल रही होती है एकदम, और हम लोगों को ध्यान नहीं होता कि क्या कुछ होता है। और याद रहे, मेरा लैपटॉप बैग है साइड में रखा है। इस केस में भाई अपना जो है फोन भी हो सकता है यहाँ पे। और इतनी देर में साइड से भाई दो लड़के आते हैं, एक लड़का आता है। अच्छा, तो भाई इतनी देर में वो आते हैं और मैं जो है गाड़ी को साइड में लगाता हूँ। ठीक है, साइड में लगाने के बाद सो गाइस सीन ये होगा कि वो शायद इस तरफ से भी आ सकते हैं और वो शायद उस तरफ से भी आ सकते हैं। तो उस पे आएंगे तो उनके लिए एक्सेसिबल इजीली होगा। मैं जाता हूँ यहाँ से अपनी गाड़ी में चेक करने कि भाई कुछ लीक हो रहा है या नहीं हो रहा। इतनी देर में भाई वहाँ से जो चोर होगा या कोई भी होगा, वो आपका जो बैग है वो लेके फरार हो जाएगा। और आप देखते रह जाएंगे। देखिए, मेरे उसने फ़ोन भी उठा लिया। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, इधर से मेरा फ़ोन भी ले लिया है, फ़ोन रखा था यहाँ पे, लैपटॉप रखा था। इस जगह पे आपका पर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो गाइस, जो चोर होगा वो भाग जाएगा लेके आपका सामान। और इस तरह के स्कैम एंड फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। साइड से आते हैं दो जने, आपसे बोलते हैं कि भाई आपकी जो बाइक, आपकी जो गाड़ी है उसमें से कुछ लीक होने लग रहा है, और चोर वहाँ से वैसे भाग जाते हैं सामान लेके। तो भाई ये बहुत बार हो रखा है, पर्स रखे होते हैं कई बार जो हैं आपकी गाड़ी में लैपटॉप रखा होता है, वो देख सकते हैं वो जा रहा चोर अपना। ठीक है, तो ये एक मजाक का पार्ट है, बट हाँ ऑन द सीरियस नोट मैं बताऊं कि ये बहुत बार हो सकता है। तो भाई प्लीज़ ध्यान रखें कि आपसे कोई भी बोलता है साइड में आके कि भाई आपकी गाड़ी में से कुछ लीक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसी जगह पे मत रोकिए। और ध्यान रहे कि अगर आपने यहाँ पे कुछ रख रखा हो साइड में, लैपटॉप बैग, फ़ोन, आपका कुछ भी रख रखा हो, तो ऐसे चोरों से आपको बचना है, क्योंकि ये जो चोर हैं वो लेके भाग जाएंगे आपका सारा का सारा सामान और जो है आपकी सब कुछ मतलब लुट जाएगा। तो गाइज, ये थी बस एक अवेयरनेस के लिए वीडियो, आप लोगों को दिखाने के लिए कि क्या कुछ हो सकता है। अब नेक्स्ट एक वीडियो देखिए जिसमें भाई असली में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनके साथ ऐसा ही कुछ हो रखा है। ठीक है, तो चलिए असली वाली वीडियो देखते हैं एक बार और उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। गाइज ये देखो, मैं अभी कड़कड़ुमा के पास हूँ, इवन इंद्रप्रस्थ के पास। यहाँ पे अभी जस्ट एक बाइक वाला मेरे को बोलता है मेरी चलती हुई गाड़ी पे कि भैया आपकी गाड़ी में से कुछ लीक कर रहा है। मतलब उसने कुछ इशारा किया, मुझे समझ में आया नहीं। मैंने गाड़ी साइड में लगाई, एक लड़का निकला, उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। तो मैंने देखा, आप देख रहे हो ये, उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आया। अब आपको पता है, जब आप जल्दबाजी में होते हो तो गेट वेट लॉक करना बंद कर भूल जाते हो। और जैसे ही मैं उतरा, मैंने अपना बोनेट खोला, मैं देख रहा हूँ उसमें, यार इसमें तो कुछ लीक कर नहीं रहा, ये क्या चीज़ है, समझ नहीं आया, दिमाग खराब होने लगा। सडनली मुझे अपने गेट खुलने की आवाज़ आई, तो देखा एक लड़का लैपटॉप बैग, मेरा बैग जो फ्रंट पे रखा था, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो मेरा बैग, ये देखो ऐसे मेरा हमेशा ही रखा रहता है। तो मेरा बैग ये फ्रंट पे रखा था, और जब मैं इस गेट से उतरा तो मैंने लॉक नहीं कर रखा था बैग, दिस अभी भी लॉक नहीं था। सो मेरे को उनसे बोनट खुला हुआ था, आवाज़ आई गेट में, क्योंकि बैग इतना भारी था, वो लड़का छोटा था, आई थिंक 15-16 साल का, मुश्किल से 12-13 साल का होगा, 15-16 भी नहीं। तो मैंने देखा वो लड़का बैग लेके भाग रहा है, और बैग उससे गिर गया, भागा नहीं गया उससे। और उधर से रेड लाइट जो थी, सामने रेड लाइट है, वो एकदम से इस तरफ की ग्रीन होगी, तो बाइक वाले काफ़ी सारे आए। तो वो जो बाइक वाला मुझे बोल के गया था भैया कुछ गिर रहा है, वही बाइक वाला के साथ वो भागने भाग गया। काफ़ी कोशिश की लोगों ने रोकने की, मेरा बैग वैग सब बच गया है, बट बी केयरफुल, इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, वो भी दिल्ली के अंदर दिन दहाड़े। सो अपने लैपटॉप बैग्स को या तो अपने डिग्गी में रख के आप चलिए, या फिर अपने फ्रंट पे सीट के नीचे, बिकॉज ये मुझे नहीं पता कहाँ से मुझे फॉलो कर रहा होगा, कहाँ से इसने ध्यान दिया है। बट यू कैन सी कि अगर इस टाइप से अगर आपकी गाड़ी पे कुछ दिखाई देगा तो आप भी घबरा जाओगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो भाई जैसे कि आपने देखा होगा, भाई चोर ऐसे चोरी करते हैं
एंड सच्ची में ये चीज़ बहुत कम लोग समझ पाएंगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या सच्ची में, बट हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो भाई कैसी लगी वीडियो प्लीज़ लिख के बताइएगा, और मैं पहले ही बोल रहा हूँ भाई प्लीज़ फैला दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि जितना फैलाएंगे उतना ज़्यादा ऐसे स्कैमों से आप बचते रहेंगे। पिछली 2-3 वीडियो मेरी ऐसी आ रही है जिसमें मैं जो आपको चोरियों से बचने के लिए बता रहा हूँ, तो एक ही नया स्कैम आया है एंड ये आप लोगों का शायद से आंखें खोल दें एंड पता लग जाएगा आपको। तो भाई प्लीज़ कमेंट सेक्शन लिख के बताइएगा कैसी लगी वीडियो। खैर भाई लोग आज की वीडियो से इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस तक के लिए, बाय।